गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स में हाइगन की सिद्धांत का हाइगन जो प्रिंसिपल था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या हाइगन प्रिंसिपल होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, वो कैसे प्रोपोगेट करता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे उसे हाइगन के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए कि वेव नेचर जो होती है लाइट की, उस वेव नेचर के आधार पर हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन इन नियमों को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, हाइगन के सिद्धांत की सहायता से हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं, यानी हाइगन के सिद्धांत की सहायता से। प्रकाश का परावर्तन, ये कैसे होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर हाइगन ने यह बताया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है, संचरित होता है, और परावर्तन किसी सतह से उसका होता है। तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग किस प्रकार से बनती है, आपतित तरंगा और परावर्तित तरंगा किस प्रकार से प्राप्त होता है वो हम ये देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिंपल ये मिरर ले लिया, ये मिरर प्लेन, ठीक है, ये मिरर प्लेन है। मिरर ये दर्पण, ये हम लेते हैं सबसे पहले दर्पण ले लेते हैं। अब ये देखते हैं कि जो आपतित तरंगा अगर सपोज जो प्लेन वेव के रूप में इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर, तो आपतित तरंगा अगर सपोज प्लेन वेव है तो संचरण की दिशा उसकी इस तरह है, पैरेलल जो वेव फ्रंट है वो इस तरह से आपतित होता है। ये मिरर है सपोज ए बी, ये मिरर है, ठीक है, ये तरंगाग्र आपतित हो रहा है, कौन सा तरंगाग्र, ये आपतित तरंगा, समतल तरंगा, कौन सा तरंगा है, आपतित समतल तरंगा। इंसिडेंट प्लेन समतल तरंगा का आपतित हुआ, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या स्थिति होगी, ये इन पॉइंट्स पर आपतन होता है इसका, मिरर के इन पॉइंट्स पर। सपोज इस पॉइंट को मैं O1 कह दूं, इस पॉइंट को मैं O2 कह दूं, इस पॉइंट को मैं O3 कह दूं, और इस पॉइंट को मैं क्या कह दूं, O4 कह दूं, ठीक है। अब ये जो तरंगा अगर आपतित होता है, हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों एक साथ आपतन नहीं होता तरंगों का, दोनों पॉइंट पर आपतन, क्या डिफरेंस रहता है। सपोज मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ये यहां अपन कहेंगे तरंगाग्र की ये स्थिति किसी समय, ये तरंगाग्र की स्थिति किसी समय, ठीक है। अब स्थिति क्या है कि ये जो पॉइंट अपने पास है इसको मैं पॉइंट कह दूं पी, क्या पॉइंट कह दूं, पी पॉइंट कह दूं। देखो जगह क्या होता है, ये जो बंच ऑफ वेव आ रहा है, तरंग समूह आ रहा है, इसका इस पॉइंट पर आपतन ओवर पर आपतन होता है उस टाइम पर, यानी जब दर्पण पर आपतित हो जाता है उस टाइम पर ऊपर वाला जो वेव है या उसका जो ऊपर वाला सिरा वेव फ्रंट का तरंगाग्र का वो यहां तक ही पहुंचता है, इस पॉइंट तक ही पहुंचता है, समझ। अब क्या होगा, इतनी दूरी बच गई, ये दूरी बच गई,
और सपोज ये जो तरंगागर का पॉइंट है ये वाला वे फ्रंट का, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? डेल्टा टी टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? पी ओ फोर टाइम। पी ओ फोर कितनी हुई? सपोज वी वेग से संचरण होता है इसका, डेल्टा टी टाइम ये लेता। वी क्या है? इस वे फ्रंट का वेग, आपकी तरंगों की वेलोसिटी है, ठीक है। तो पी ओ फोर कितना हो गया? वी इंटू डेल्टा टी, ये टाइम ये, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा? हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां आपतित हो चुका होगा, तब तक इस P वाले पॉइंट की स्थिति क्या रहेगी? ये रहेगी। ऐसे ही ये O3 पॉइंट पर जब आपतन हो चुका होगा, तब तक इस P पॉइंट की स्थिति ये रहेगी यहां, ठीक। अगर अपन इक्वल डिस्टेंस माने तो सपोज ये जो टाइम है, ये टाइम, ये कितना होगा इसका? वन टू थ्री, वन थर्ड मान एवरेज डेल्टा टी वाई, ठीक है। ऐसे ही ये कितना होगा? डेल्टा टी बाई थ्री। और ऐसे ही कितना होगा? डेल्टा डी वाई हर इंटरवल ऑन एवरेज, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट पी है, ये ओ फोर पर पहुंचेगा तो कितना टाइम ले लेगा? डेल्टा टी टाइम ले लेगा, ठीक है। खास बात, डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा? वी डेल्टा टी कर लेगा। अब खास बात क्या होगी? देखो ये अपर मीडियम है, नीचे वाला तो मिरर है, इसलिए ब्लॉक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जब वेव फ्रंट का ये पॉइंट आपके पास इंसिडेंट हुआ है, तरंगागर आपतित हुआ, तो अब क्या होगा? जैसे ये पॉइंट पी आगे आगे बढ़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए, ये पॉइंट हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार क्या करेगा? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। अब द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा? वो द्वितीयक तरंगिका, अब देखो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होंगी? स्फेरिकल होंगी, ठीक है। ये वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, ये स्थिति बनेगी द्वितीयक तरंगिकाओं की। ऐसे ही क्या होगा, सपोज ये यहां से यहां तक पहुंचा, तब इसने डेल्टा टी टाइम इतनी डिस्टेंस तय करी, फिर ये यहां से यहां पहुंचा तो डेल्टा टी और ले लिया, तो इसने डेल्टा टी टाइम इतनी कर, अब ये यहां से यहां पहुंचा, टोटल डेल्टा टी टाइम लिया, तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? ये सपोज क्यू पॉइंट दे दो इसका नाम, तो ओवन क्यू कितना हो गया अपने पास? ओवन क्यू बराबर कितना होना चाहिए? ये पी ओ फोर के बराबर होना चाहिए, सपोज ये पॉइंट मैं नाम दे दूं इसको पी वन, इसको पी टू दे दूं, तो ये पॉइंट जैसे यहां पहुंचा, ये पॉइंट यहां वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया? तरंगागर का यहां पहुंच गया, O2 पर पहुंच गया। अब ये पॉइंट जैसे आगे बढ़ेगा, 1 डेल्टा टी बाई थ्री और डेल्टा टी बाई थ्री, 2 डेल्टा टी बाई थ्री डिस्टेंस तय करके यहां तक पहुंचेगा, तब तक ये क्या करेगा? और इसकी जो रेडियस होगी ये है, ये Q, ये Q1, O2 Q1 कितना हो जाएगा? O2 Q1 डेल्टा T, दो डेल्टा T, यानी इसका डबल डेल्टा T बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा? ये P1 O4, P1 O4 की बराबर, P1 O4 कितना है? V वेग से गति कर रहा है, इनटू डेल्टा टी बाय थ्री, डेल्टा टी बाय थ्री, टू डेल्टा टी बाय थ्री। सिमिलरली अब ये पॉइंट देखो, ये बाजू वाला जो पॉइंट था तरंगागर का, वो कहां पहुंच गया? O3 पर पहुंचा, तो ये ऊपर वाला सिरा ये पहुंचा, ये यहां तक टी बाय थ्री टाइम लेगा, तब तक क्या होगा? ये स्थिति क्या रहेगी आपकी? और ये क्यू टू, तो Q2 O3 कितना रहेगा? O3 Q2
ये पी टू ओ फोर हो जाएगा, पी टू ओ फोर, और ये कितना है V into delta theta, delta T by theta मान लीजिए कौन यहाँ पहुँची थी। अब स्थिति क्या बनी? अब ये बनी हाइगेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उत्सर्जित होती हैं, इन पर स्पर्श रेखा खींचोगे आप कितने टाइम बाद? इस डेल्टा टी टाइम बाद की बात। तो डेल्टा टी टाइम बाद स्पर्श रेखा खींचे तो वो ये जो आपतित तरंगागर था ओवन पी इसकी नवीन स्थिति को बताएगा, ठीक है। तो क्या होगा? द्वितीयक तरंगिकाएं ये है यहां पे, ये यहां पे है, ये यहां पे, इन पे स्पर्श रेखा खींच, क्या खींच दो? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच। तो ये तरंगागर की क्या हो गई? नवीन स्थिति हो, ठीक है। आपतित तरंगागर कौन सा था? ओवन पी, कौन सा? ओवन पी की अपन बात कर रहे थे। डेल्टा टी समय पश्चात ओवन पी की नवीन स्थिति, बराबर कितनी? क्यू ऑफ ओ, अब क्या होगा? तरंगागर ऐसे आ चुका, ये तरंगागर अपने पास आ, क्या स्थिति बनेगी? इस तरंगागर पे ऐसे को पॉइंट ले सकते हो आप, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब क्या करोगे? इसकी अगली नवीन स्थिति प्राप्त करनी है तो इन पॉइंट्स को स्रोत की तरह मानोगे आप, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और इनसे क्या होगा? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, स्फेरिकल, वो स्फेरिकल यू, और वो स्फेरिकल तरंगें क्या होंगी? इस तरफ घूम जाएंगी, क्यों? इसकी इस वेव फ्रंट की नवीन स्थिति अब क्या होगी? इस पर स्फीयर खींचेंगे, ऐसे ऐसे स्फीयर खींचेंगे, ये वाले नीचे वाले, ये वाला हाफ, ये स्फीयर खींचेंगे, इन पर यू खींचेंगे, इस पर जस्ट ऊपर, फिर उस पर जस्ट ऊपर, इस तरह से तरंगागर आगे बढ़ता जाएगा और अपने पास जो नवीन स्थिति है ये वाला, ये नवीन स्थिति, ये आगे बढ़ेगा, नवीन स्थिति जो है तरंगागर, ये तरंगागर संचरण, ये आपतित तरंगागर का संचरण, और ये रिफ्लेक्टेड, परावर्तित समतल तरंग। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? आपतन और परावर्तन, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं रिफ्लेक्शन का, किसकी सहायता से? हाइगन के प्रिंसिपल की सहायता से, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करता है, प्रॉपर वे में फॉलो करता है, वो अपन देखते हैं कैसे फॉलो करता है, सिंपल एग्जांपल लेकर के इसका, कि हाइगन के तरंगिका का जो सिद्धांत था उसकी सहायता से अपन रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनको कैसे फॉलो करना वो देखो। सिंपल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, ये सिंपल मिरर था आपके पास, आपकी तरंगागर अपने पास से सपोज ये प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है,
सपोज तीन पॉइंट अपन ले रहे हैं एक बार सरलता के लिए, वरना डायग्राम थोड़ा मिक्सअप हो जाए। फोर वन फोर टू और फोर थ्री, ये इंसिडेंट हुए फ्रंट। इंसिडेंट प्लेन मेज और ये वेव फ्रंट, ठीक है। क्या होगा, एक नॉर्मल लेते हैं इस पॉइंट पे ले ले सब कुछ, ये एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। ये अपने पास परावर्तित तरंग आ गया, ठीक है। ये अपने पास परावर्तित तरंग, रिफ्लेक्टेड प्लेन में ये मिरर है, ये एन वन एन टू अभिलंब नॉर्मल, इसको आप क्या कहते हो अभिलंब। क्योंकि देखो सारा काम अपन कर रहे हैं, आ भी प्लेन में रही है, जा भी प्लेन में रही है, तो अपन सारा काम क्या करते हैं, सारा काम किस में कर रहे हैं अपन, इस प्लेन में ही कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपकी तरंग अगर प्लेन में है, जाने वाला प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में, जो आ रहा है उसी प्लेन में जा रहा है, इसका मतलब ये प्लेन क्या है, एक ही, और इसी में हमने अभिलंब लिया, तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या आ गई, एक ही प्लेन में आ गई, ठीक है। तो एक बात तो सिर्फ इस पर ही, आपकी तरंग आ गई, परावर्तित तरंग आ गई और अभिलंब, तीनों एक ही तल में। सपोज ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट यहां वाली स्थिति में कैसा होगा, और यहां से क्या है लंब, इस पॉइंट को अपन ने क्या लिया था P, ठीक है, ये वाली स्थिति, ठीक। अब देखो क्या स्थिति है, यहां से एक अभिलंब और डाल, ये जो परावर्तित तरंग आ रहा है इस पर एक अभिलंब डाल यहां से, तो ये स्थिति है, परावर्तित तरंग आ रही है, सपोज ये स्थिति है, ये तो ये लंब है, ये Q है, ये क्या है सपोज Q, यहां पर ले गया, ये एंगल इंसिडेंट है आई आपतन कोण, और यहां R लेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है R, R क्या है परावर्तन, ज्योमेट्री आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये नॉर्मल है, ये इस मिरर के साथ कितना बनाता है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री बनाता है, और यहां तक का इस 90 में से यहां तक का एंगल हो गया R, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट, ये कितना हो गया 90 माइनस R, ये 90, अब ट्रायंगल देखो O1 Q O3, इसमें देखो क्या स्थिति बनेगी, ये 90 माइनस R है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया R, ये R, ठीक है। सिमिलरली देखो क्या स्थिति अपने पास बनेगी, ये जो अपने पास है ये इंसिडेंट जो रही है, ये वाली ये इंसिडेंट रे, और ये जो जा रही है ओवन पी, ये जाने वाला, ये लंब जो अपन यहां लंब डाला है, ये यहां पर भी कितना है 90 डिग्री, इस 90 में से इतना तो आर हो गया, आई हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया एन वन ओवन पी, ये कितना हो गया 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना बच गया, क्योंकि टोटल तो आई 90 है,
एन वन ओ वन बी कितना है नाइन, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आर आई, ये एंगल कितना हो गया आर। तो मैं लिखूं देखते, जैसे यहां पर मैं आपको बताना चाहूं तो इन ट्राइंगल कौन सा ओ वन पी ओ थ्री, ओ वन पी ओ थ्री में देखो, ओ वन पी ओ थ्री में ये वाला एंगल आई जो एंगल है वो कौन सा है पी ओ वन ओ थ्री, पी ओ वन ओ थ्री, पी ओ वन ओ थ्री। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज लिख लूंगा तो इस बात में बता दूं आपको ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ये एंगल एन वन ओ वन ओ थ्री, एंगल एन वन ओ वन ओ थ्री ये है 90 डिग्री, ये 90 और ये जो इंसिडेंट है अपने पास सपोज ये जो वेवफ्रंट इंसिडेंट है ये वाला, ये आई है, ये आई है और ये लंबवत है इसके ओ वन पी क्या है इस इंसिडेंट वाले वेवफ्रंट के इंसिडेंट रे की क्या लंबवत है, तो ये आई है तो ये अंदर वाला कितना हो गया एंड एंगल एन वन ओ वन पी ये कितना हो गया 90 माइनस आई, ये कंप्लीट 90, ये आई है तो ये बचा हुआ 90 माइनस। अब एन वन ओ वन ओ थ्री ये 90, ये पूरा 90, ये ऊपर वाला 90 माइनस आई तो अंदर वाला कितना बच गया एंगल आई, ठीक है ये एंगल आई। सिमिलरली ये वाली स्थिति जो मैं बता रहा था आपको कि n1 o1 o3 ये तो 90 है, ठीक है बचा क्या आपके पास ये वाली स्थिति, ये इतना सा आ रहा है n1 o1 o3 90 है तो ये इतना सा आ रहा है तो मेरे पास क्या बच गया q o1 o3, एंगल q o1 o3 ये कितना है 90 माइनस r, 90 माइनस एंगल आई, 90 माइनस एंगल ये ना आर है तो ये कितना हो गया इसमें 90 माइनस, अब ये ऊपर वाला 90 तो ये कितना हो गया ये वाला ये आर। अब देखो क्या स्थिति होगी इन ट्राइंगल ओवन पी थ्री ओवन पी ओ थ्री, इसमें क्या होगा साइन आई लगा दो साइन एंगल आई इतना साइन लंब बटा कर लंब पी ओ थ्री बटा ओ वन ओ थ्री, और ये पी ओ थ्री कितना है पी ओ थ्री मुझे बताया था पी ओ थ्री वहां पर पी ओ फोर था, सपोज यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है डेल्टा टी वी एक्स तो वी इनटू डेल्टा कितना टाइम। सिमिलरली इस तरह का करके जब ये पी पॉइंट ओ थ्री पर पहुंचेगा तो ओ को ओ वन पॉइंट वाला जो है द्वितीय तरंगिका वो कहां पहुंचेगी क्यू पर, तो ये भी कितना है ओ वन क्यू, ये भी कितना है वी इनटू डेल्टा ये भी कितना है पहुंचेगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल का दूसरा त्रिभुज ओ वन क्यू ओ थ्री, ओ वन क्यू ओ थ्री एंगल आर कितना है एंगल आर कौन सा है ये वाला ओ वन ओ थ्री क्यू, एंगल ओ वन ओ थ्री तो साइन आर कितना हो गया साइन आर कितना होगा साइन आर इस त्रिभुज आर के सामने वाली ओ वन क्यू बटा ओ वन ओ थ्री, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू
वन अपॉन टू कर देंगे, क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना हुआ? तो पी देखो ओवन ओ थ्री तो कैंसिल, तो पी ओ थ्री बटा ओवन क्यू, और ब्रैकेट में अपने ले रखे हैं दोनों चीजें क्या है, बी टू डेल्टा टी बी टू डेल्टा टी, क्या स्थिति बनेगी? साइन आई बराबर साइन आर और इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन के लिए लॉग लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाइगेंस की प्रिंसिपल की सहायता से हम प्रकाश का जो परावर्तन एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। कैसे एक्सप्लेन होता है? कि आपतित तरंगागर अभिलंब और परावर्तित तरंगागर, यानी आपतित वेव अभिलंब और परावर्तित वेव, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें? एक ही प्लेन में है, पहली बात संतुष्ट होगी। दूसरी बात क्या है? इंसिडेंट जो एंगल आई वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? सेम इक्वल रहता है, ठीक है। इसलिए हाइगेंस के प्रिंसिपल की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? परावर्तन की बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है।